ये जो बोल आपको दिख रहा है उसका नाम है गांडियो। अच्छा, और उसकी अभी उम्र 20 साल हो गई है। 20 साल। आज की जो वीडियो है हमारी बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको जो बहुत बढ़िया नस्ल के गिर नंदी आज की इस वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर से दबाओ। तो चलिए वो भी देखते हैं सर के यहाँ पर। तो चलिए सर, हमने हमारी गौशाला में सब अलग अलग व्यवस्था की हुई है। समझ लो कि दूध वाले गाय का अलग 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 वाड़ा है, मिल्किंग वाले का अलग है, गाभिन का अलग है, 2 साल वाली हीफर का अलग है, 1 साल वाले का अलग है। अच्छा, तो 2.5 साल वाली आप इस साइड, आप इस साइड व्यू करके देखो, ये जो पहला जो दिख रहा है वो 1 साल वाली का है। हाँ, तो सामने की साइड है वो 2 साल के ऊपर का, और पीछे की साइड है वो सब गाभिन का है। और ये जो बड़ा कॉमन वाड़ा है उसमें सब दूध वाले गाय घूमने के लिए आती है। तो सब हमने पूरा अलग अलग व्यवस्था की हुई है, और सबके लिए ऑटो पानी की सिस्टम रखा हुआ है। आइए, पानी इनके लिए 24 घंटे रहता है? हाँ, ऑटो सिस्टम रहती है, जितना पानी पीती है उतना आ जाता है, वो लेवल मेंटेन किया हुआ है। लखे लखे, ये भी एक बोल है, आइए इसका लखाण लखाण, बस उसका ले लिया। जो भी बोल जा रहा है गजानंद, ओ उसकी माँ यहाँ मेरी गौशाला में जो यहाँ हरीफा लगती है गुजरात में, तो वहाँ उसकी माँ ने 2 बार नंबर लिया था। और उसकी मदर का एक टाइम का दूध 13-14 लीटर था। 13-14? हाँ, उसकी माँ का नाम आर बी विश था जी। और उसका बाप का नाम पांखलियो करके है जी। वो और भावनगर ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम गजानंद है जी। तो ये भी एक बहुत अच्छा शानदार गिर नंदी है, और उसकी एज अभी 5 साल के आसपास। सर, अगर किसी किसान भाइयों को इसी का ही अगर सीमन चाहिए तो आपके पास? हाँ, ये गजानन का सीमन आपको अवेलेबल हो सकता है। हो सकता है। हाँ, और 2-3 बुल अंदर की साइड है। ये जो बोल आपको दिख रहा है उसका नाम है गांडियो। अच्छा, और उसकी अभी उम्र 20 साल हो गई है। 20 साल? हाँ, और इसकी मेरे पास आज की डेट में 16 बछड़े है। 16? तो अभी बछड़े दूध पी रही है उसकी माँ को, और अभी वो सर्विस नहीं दे रहा है, लेकिन अभी उसका हम सीमन कलेक्शन कर रहे हैं जी। तो इसका सीमन अभी हम अपने फ्यूचर के लिए स्टोर कर रहे हैं, कि भाई 10 साल के बाद जरूरत पड़ेगी जी। क्या करेंगे, इसलिए हम फ्रोजन कर रहे हैं। और इसका नाम है गोरलियो जी। गोरलिया, अरे गोरलिया गोरलिया, अरे। और ये भी बहुत एक पुरानी नस्ल का बुल है, वहाँ आप अंदर जाके शूट कर सकते हो, साइड जाके जी, जी। और इसकी हमारे पास आज की डेट में जो सामने दिख रही सब बछड़ी, ये गोरलिया बुल की है। हाँ, ये भी हमने बाहर से परचेस किया हुआ है। आइए, ओ देखो, आप इतने तय श्योर रहेगी कि हम अपने लिए बुल तैयार कर रहे हैं, अपने लिए यूज़ करें तो उसका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, तो ही हम यूज़ करेंगे। अरे गोरलिया, ये अच्छे नस्ल का ही सब नंदी है, सब अलग अलग गोत्र के हिसाब से यूज करते हैं। अगर किसी को सीमन चाहिए तो वो मतलब कि नंदी के हिसाब से आप सीमन? नहीं, हमारे पास अभी टोटल 4 बुल का नंदी है। एक है धुमड़िया बुल का, एक है गजानन का, एक गुलाब का, और एक है अभी गांडिया का। चारा का हमने सीमन भी बनाया हुआ है। तो सर, जैसे कि कोई सीमन ऐसे बनते हैं कि जिसमें सिर्फ बछड़ी आएगी, तो सर आपने कुछ? नहीं, उस तरह का तो नहीं, उसके लिए तो बहुत बड़ा खर्चा भी लगता है जी, जी। और उसमें XY का पूरा फॉर्मूला रहता है। हाँ, सर, तो आपके यहाँ पर? नहीं, वो तो नेचुरल जो हमने सीमन, हाँ, उसमें बछड़ी बछड़ा जो भगवान की मर्जी रहेगी वो ही आएगा। आप देख सकते हो, देखो ये भी 1 साल के आसपास की सब बछड़ी है। अच्छा, जो मैंने आपको गुल गोरलिया बताया उसमें जो व्हाइट जो रेड वाली है पूरी रेड, वो सब एक वही भूल के अभी 1 साल के आसपास की उम्र है। तो हमारे देखो गौशाला सब अलग अलग डिवीजन रहता है, 1 साल की अलग, 2 साल की अलग, 3 साल की अलग, दूध वाली अलग, गाभिन अलग, बुल अलग, तो उस तरह पूरा हम करते हैं। और देखो गाय को चारा भी मेजोरिटी हम कटिंग करके ही डालते हैं। अच्छा सर, सबको मतलब उनके हिसाब से ही खाना भी देते हैं सर? हाँ, आप देख रहे हो, देखो आप अभी उसमें चारा डाल दिया है और अभी गाय खा रही है जी जी, और उसको भी डाला हुआ है, तो अब सब अलग अलग व्यवस्था रहती है। और देखो वहाँ सामने बड़ी पानी की टंकी भी है, उससे पूरा ऑटोमाइजेशन लगा हुआ है। अब सामने जो ब्लू कलर की दिख रही है आपको, तो सामने जो दिख रही है तो सर, मतलब पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ही रखी है, ऑटो फ्लो सिस्टम लगा रखा है। हाँ सर, ऑटो फ्लो पूरी जगह पर रखा हुआ,
हाँ एक मैं चीज़ आपको बताना भूल गया, हाँ ये जो बड़े बड़े टंकी आपको दिख रही है, हाँ वो जो गौमूत्र बोलते हैं ना जो खेत में, अभी आज की डेट में जैविक खेती में सब हम लोग लेबर से कलेक्शन करवाते हैं सुबह सुबह, और वो उसमें डाल देते हैं, और अभी हम 20 रुपया पर लीटर के हिसाब से सेल करते हैं उसको, 20 रुपये पर लीटर, हाँ गौमूत्र बोलते हैं उसको। और उसका एक और चीज़ बनाते हैं गौमूत्र अर्क, वो आपको मैं बताऊंगा वो मशीन किस तरह वर्कआउट करता है। तो सुबह का जो जिला वो अरे तो उसका वर्क बनाते हैं जी। तो सर जी ये इकट्ठा आप कैसे करते हो सर, या फिर आपने कोई नाली बना रखी? नहीं नहीं नाली वाला नहीं है, उसको हाथ से लबर लोग करते हैं सुबह सुबह 4 बजे आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा। एक दो घंटा उसको कलेक्शन गौमूत्र, उसके बाद दूध निकालते हैं, और सबको गाय को सीक्वेंस अपने आप वो आते तो खड़ी हो जाती है, उसके लिए उसको हैबिट दिलाई होती है कि वो एक साथ सब खड़ी ना हो जाए, इसलिए वन बाय उसको खड़े करें, एक एक को खड़ी करते हैं।